नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके साथ मन की असीम शक्ति या कहे कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर बात करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। क्या आपने आमिर खान की एक फिल्म तारे जमीन पर देखी है? इस फिल्म में एक सीन था जिसमें आमिर खान बच्चे के पिता को सोलोमन आइलैंड के बारे में बताते हैं। इस आइलैंड के आदिवासी पेड़ को काटते नहीं हैं, वे पेड़ों के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ों को कोसते हैं, जी भर के गालियां देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों के बाद वो पेड़ अपने आप सूखकर गिर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास ना करें कि कैसे सिर्फ गालियों और कोसने से एक पेड़ को गिराया जा सकता है, लेकिन यह बात सही और प्रामाणिक है। बहुत से लोगों ने इस बात पर अपने अपने मत दिए, लेकिन जिनके व्यूज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं वह है ब्रूस लिप्टन। ब्रूस लिप्टन के अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं, इसकी वजह है हमारे मन की असीम शक्ति, द पावर ऑफ माइंड। हमारे माइंड में 3 लेवल्स है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन अवस्था, सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध चेतन अवस्था और अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन अवस्था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और यही हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को तय करता है। बहुत बार हम अपनी कई खराब आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड भी कोई भी कोशिश के बाद भी उस पर कोई असर नहीं कर पाता। अपने फ़ोन और लैपटॉप का एग्जांपल लीजिए। मान लो आप कोई गाना सुन रहे हो और गाने को बदलना चाहते हो। ये गाना आपके कहने या चाहने से नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे खुद ना बदलें। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उन सभी नकारात्मक और बेकार चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार इसी तरह जब सोलोमन आइलैंड के लोग जब पेड़ों को कोसते हैं तो वो वास्तव में पेड़ों के माइंड में नकारात्मक और खतरनाक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, पेड़ों के भी दिमाग होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। उनके अनुसार इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करती है। 2500 साल पहले यही बात महात्मा बुद्ध भी कह चुके हैं कि हम जो भी है अपनी सोच की वजह से है। यह बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। बार बार एक ही बात कहने से हमारे मन का भी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इंसान की सही या गलत दिशा उसका मन ही तय करता है। जब हम किसी इंसान की इतनी ज़्यादा बुराई करते हैं, उसे कोसते हैं, तो वास्तव में हम उस इंसान के मन में नकारात्मक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। अनजाने में पेरेंट्स और टीचर बच्चों की बढ़ाई से ज़्यादा बुराई करते हैं ताकि बच्चा और अच्छा काम करने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का उल्टा असर देखने को मिलता है। इसीलिए सही काम करने पर अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें और गलत काम करने पर कोसने के बजाय बच्चों को सही गलत के बारे में बताएं। इसी तरह चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो या चाहे कोई भी हो, उसे डीमोटिवेट न करें। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।